गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस के लिए स्मरण करते हैं। अल्पसंख्यक विभाग मंडी के पूर्व जिला अध्यक्ष पास्टर सनी इपन ने बताया कि मनुष्य जाति के उद्धार अथवा मोक्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन सूली पर अपने जीवन को त्याग कर अपने पूर्व में कही भविष्यवाणी को सच साबित किया और उन्होंने पहले से ही कहा था कि मुझे अपने जीवन देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। गुड फ्राइडे पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। दुनिया भर में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं वो तो विशेष तौर से मनाते ही हैं। इस दिन छुट्टी भी है हमें, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि एक क्या है इस दिन। गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा शुक्रवार। ऐसा क्या अच्छा हुआ इस शुक्रवार के दिन? पूरे दुनिया में ये छुट्टी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन का बलिदान सूली के ऊपर दिया। बाइबल बताती है कि मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए, हमारे को परमात्मा के साथ पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जो पाप मनुष्यों ने शरीर में किया उसका बलिदान भी मनुष्य को ही अपने शरीर में चुकाना था, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर के यीशु मसीह को उन्होंने भेजा अपने पुत्र को इस दुनिया में, ताकि हमारे लिए वो बलिदान हो सके, हमारे पापों के लिए बलिदान हो सके, ताकि हमें अपना जान देना ना पड़े। तो इसलिए इस दिवस को गुड फ्राइडे माना के रूप में मनाया जाता है। ये दिस इज ए गुड फ्राइडे क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए उन्होंने अपना जान बलिदान दिया। तो इस दिवस मैं आग्रह करता हूँ देशवासियों से, हम भी उनके बताए हुए रास्ते में चलें, धर्म के रास्ते में चलें। आज हम देखते हैं धर्म के नाम पे एक दूसरे से बैर, हत्या, आग लगाना, पथराव करना, ये सब मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, ये धर्म के रास्ते, इस अहिंसा के रास्ते को छोड़ करके इस दिवस जो है हम एक समर्पण करें, यह निश्चय करें कि हम सच्चाई के रास्ते में अपने देशवासियों के, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, एक दूसरे से अपने समान प्यार करें और उसके रास्ते में, सच्चे रास्ते में चलें। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे आदरणीय सरदार कुलतार जी भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम सब अल्पसंख्यक वर्ग जो है मिलकर के इस दिवस को मनाने का हमने निश्चय किया है। तो हम सिख समुदाय का भी और हमारे मुस्लिम समुदाय का भी, पूरे अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ से प्रदेशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आज से 2023 वर्ष पूर्व इसराइल के देश में पैदा हुए और उनके प्राण त्याग व बलिदान को जब हम अपनी आत्मा में स्वीकार करते हैं तो सचमुच में हमारा उद्धार, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होता है। फिर चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।